ले जी गाइस टू अनदर एपिसोड. और आज हमारे बहुत लॉन्ग अवेटेड एक स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनको डिफाइन करना पड़े तो यही होगा कि आई थिंक नहीं, ये फैक्ट है कि लाहौर के द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन हैं ये इस वक्त. मैं हो सकता है पाकिस्तान के भी हूँ, तो ये आज हम डिस्कवर करेंगे. ले जी मियाँ साहब, मियाँ उमर सईद, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको अपोलो टॉक्स पे आके? ये कपिल शर्मा वाला सवाल है. आपको तो कितने मैंने ताने मारे उसके बाद हुआ ये तो अचीवमेंट हो गई, ये तो मेरी एक अचीवमेंट अनलॉक हो गई है ना. अब आई थिंक सब कुछ अचीव कर लिया अब आपने लाइफ में. ये रह गया अब मैं सुकून से मर सकता हूं. देख ले, अब मैंने सब कर लिया. अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं यार, काफी कुछ डिस्कस करना आपसे. स्टार्ट करते हैं पहले इससे के जैसे कि मैं आपसे बहुत अरसे पहले मिला था, तब आप एक बड़े आम इंसान होते थे. दिस बैक इन 2000. नहीं नहीं सर, अब बहुत स्पेशल हो गए. ये है बैक इन 2009 या 10 की बात है, ठीक है, जो हम मिले थे पहली दफा, ठीक है. सो उसके बाद फिर फास्ट फॉरवर्ड में मिला आपसे 2017 में और सब कुछ बदल गया था. तो ये जो आपने फिटनेस को खोल के पिया है, ये कब स्टार्ट हुई? फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या ख्याल आया कि 17 में, आई थिंक हम जैन या फेब में मिले थे, रफली मार्च में आयरन बॉक्स खुला था. और आई थिंक जब हम पहली दफा हमारी मुलाकात हुई थी, वो एलएसी डेज जो थे, वो आई थिंक वो आपके और मेरे सबसे खूबसूरत दिन थे हर लिहाज से इसमें कोई शक नहीं है. तो बेसिकली यार ये हुआ कि जो मेरे एलएसी में दोस्त यार थे ना, वो सारे जाते थे जिम. मैं आई वाज मोल्ड टू स्पोर्ट्स, मतलब मैं क्रिकेट भी खेल रहा था, मैं फुटबॉल भी खेल रहा था, मैं बास्केटबॉल भी खेल रहा था. सो आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स. और मैं, ये लोग जिम जाते थे, मैं कहता क्यों जाते यार, मतलब क्या फायदा है, मतलब क्या हो जाएगा. तो ये लोग मुझे बड़ी सुनाते थे कि यार क्या तू अपने बाजू देख, लड़कियों जैसे तेरे बाजू हैं, ये है वो है. और जो कि हकीकत भी थी, मतलब मैंने ना पूरी ऐसे शर्ट ऊपर रोल की होती जी थी जी. और क्योंकि वो छोटे छोटे बाजू थे, लेकिन मैं था बड़ा सेट है. हम फॉर रेफरेंस शायद वो पिक्चर भी आपको दिखाएंगे सबको. तो एक दिन ऐसे ही इन्होंने बॉयज ने पंप किया, उन्होंने कहा चलते हैं आज देखी जाएगी. तो मुझे याद है मैं पहली दफा जिम गया, तो जिमखाना गए, मैंगो शेक पिए. मुझे याद है उस वक्त लेबनीज कॉर्नर होता था, वहाँ से दो शोर में खाए और उसके बाद ना जिम पहुँच गए और कुछ भी नहीं हुआ. जाहिर है खाना ही यहाँ थकाया हुआ था. खैर ऐसे चलता रहा निज़ाम, साल डेढ़ साल दो साल में ऐसे गुजर गए तो कोई रिजल्ट नहीं आया. आई मीन बस मैं जिम जा रहा था, पैसे भी खर्च रहा था, टाइम भी ज़ाया कर रहा था. तो मुझे याद है एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ जिम खाना में ना, सारे बैठे थे, मैं कह यार इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, मतलब कुछ तो है जो मैं जो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या करना है. और मैंने ना उस तरह कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई मैंने कभी कोच नहीं हायर किया है, कभी खुद ही जो समझ आई कर ली, जो हम सबका एक आई एम श्योर सबका एक इशू ऐसे जर्नी रही सबकी. तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया इस पर, एक तो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए, फिर मैंने कुछ ट्रेनर्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, जिस तरह अगेन जिस तरह हर बच्चा करता है. तो मुझे समझ आई कि यार सारी गेम तो न्यूट्रिशन की है, ट्रेनिंग तो हर बंदा कर लेता है. मतलब आप दुनिया का सबसे फिट इंसान भी उठा लो और दुनिया का सबसे फारिग इंसान भी उठा लो, तो वो बाइसेप कर्ल ही करता है भाई, वो चेस्ट प्रेस ही करता है, वो लैट पुल डाउन ही करता है, वो स्क्वाट्स ही लगाता है. तो एक्सरसाइज सभी एक करते हैं, तो फर्क ये है कि कौन क्या खाता है, रेस्ट किस तरह करता है, रिकवरी किस तरह करता है. तो मैं उसमें गुस्सा, और आई थिंक मेरे दो साल ढाई साल एक तरफ थे और वो जो छः महीने या आठ महीने थे ना वो एक तरफ थे. मतलब मुझे प्रोमिनेंट रिजल्ट नजर आने शुरू हो गए और उस वक्त मुझे एक्चुअली एक वो चस्का लग गया कि यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है. स्पेशली ऑब्वियसली यार जब आपको कोई बाहर जाना तो आपको भी कहे यार क्या बात है, वैलिडेशन तो ऑब्वियसली आपका सबसे बड़ा बूस्टर होगा. आपको कुछ कह देना कि यार बड़े फिट हुए हो, बड़ा ये हो गया, बड़ा वो हो गया. तो आई थिंक वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था. तो इस तरह करके फिटनेस जर्नी शुरू हुई थी. एंड ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में आ जाऊंगा, वो सिर्फ शौकिया था और दैट्स इट, मतलब कोई सीन नहीं था. अब फिटनेस इंडस्ट्री में आने से पहले जो सबसे बड़ा सवाल है ना, जो कि मेरा खैर हमेशा से जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रही है व्हेन योर नेम कम अप किसी भी जगह आती है, वो आता है द डिसिप्लिन. अब जिम तो मैं भी बहुत अरसे जा रहा हूँ. आई थिंक आई स्टार्टेड माय जर्नी जब मेरा ख्याल है जिम का कॉन्सेप्ट ऐसा था ही नहीं, बैक इन 2006. मतलब दैट्स वे बैक, मेरे से भी 3-4 साल. हाँ, बहुत पहले की बात है. लेकिन मेरा जो ये जो डिसिप्लिन विच यू हैव माशाल्लाह, वो बहुत अमेजिंग है. उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? क्योंकि आई थिंक अगर वो वाला डिसिप्लिन विच यू हैव इन फिटनेस एंड इवन नाउ यू हैव इन योर वर्क एज वेल, वो डिसिप्लिन अगर हम उसको डीकोड करके लोगों तक पहुंचा सके तो आई थिंक बड़ी बात का फायदा हो जाएगा.
रमन जी, मुझे ऑनेस्टली आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि मुझे ना लग गया था चस्का. अब शौक की बात है ना, अब फॉर एग्जांपल नहीं बट काफी अरसा हो गया इतना लंबा चस्का किसी किसी को लगता है यार. दो इनिशियली तो मुझे लगा चस्का, ठीक है फिटनेस में और सारा कुछ ये वो, और ऑनेस्टली मेरे लिए ना दरवाजे खुलते गए खुद ब खुद. तो यार जब दरवाजे खुल रहे थे ना हर लिहाज से, मुझे अभी तक याद है 2015-16 में जब मैं इनिशियली जब मैंने शुरू किया, तो मेरी पहली जो फिटनेस से जो मुझे सैलरी मुझे चेक मिला था, या मुझे हाँ चेक मिला था, वो 12,000 रुपये का था. ठीक है, दिस इज 2016 आई थिंक सो 15-16 हो, तो 12,000 रुपये का था. एंड ऑनेस्टली मैं बहुत खुश था, मतलब इस तरह नहीं मैंने कहा इतनी मेहनत की 12,000 रुपये दी, मैं बहुत खुश था बिकॉज वो एक अचीवमेंट थी मेरे लिए कि यार मतलब ये मेरी पहली जेन्युइन कमाई है, जो मतलब ये वालिद साहब ना होना तो अपनी खैर औकात भी यही है लेकिन बड़ी मुझे खुशी थी उस चीज़ की. तो वो 12,000 पे मुझे याद है वो मैंने शुरू की थी, और वो बहुत अरसा ऐसी थी 12-15-20,000 और मैं बड़ा खुशी खुशी जाता था, लाइक आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू टेक दैट क्लास, और बड़ा मुझे शौक होता था कि यार मैंने करना है. तो मुझे ना वो एक एक स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से मिला. उसके बाद मैं आयरन बॉक्स आया, और मुझे अभी तक याद है दिल में मैंने सोचा, मैंने कहा जिस दिन सिक्स फिगर में मैं आ गया उस दिन तो भाई सब कुछ माइक ड्रॉप, बस सब कर लिए मैंने. तो मैंने वो भी कोई 2-3 महीने में मैंने वो भी कर लिया. वो तो आई थिंक बहुत जल्दी अचीव हो गया. हाँ मतलब आई थिंक मार्च में मैंने खोला तो अप्रैल मई में मैं कर चुका था 2-3 महीने में. उसके बाद ऑब्वियसली मैंने कहा यार अब थोड़ा 5-6 महीने ऐसे बड़े अच्छे गुजर गए, लेकिन फिर बंदा कहते हैं यार थोड़ा और आगे जाना है, फिर मैं थोड़ा और आगे निकल गया. तो मुझे याद है 2018 में मैं US किया, और मुझे याद है मंजी तू समीर दोनों मुझे कहते थे उमर आप सुबह आया करो आप सुबह, क्योंकि मैं तो मज़े से, मुझे याद है मैं 2-2:30 बजे उठता था, मैं 4 बजे जिम आता था, 2 घंटे ट्रेनिंग करता था, रात को क्लासें कराता था, और मैं कहता था यार बड़ा काम कर लिया भाई आप तंग ना करो मुझे. तो जब मैं US से वापस आया ना, तो मुझे याद है मैंने समीर को मैसेज किया, मैंने कहा समीर मुझे ना मॉर्निंग स्लॉट सही है मैं सुबह आना चाहता हूँ. तो समीर ने मुझे कहा देखा मैंने कहा था ना आप एक दिन आओगे, मैं कहा हाँ यार अब जिंदगी में मतलब अगर मैं एक ही काम कर रहा हूँ, मैं अगर फुल टाइम ट्रेनर हूँ तो आई शुड डू इट फुल टाइम. और मैं आज भी ट्रेनर्स को ये कहता हूँ कि इफ यू आर डूइंग इट फुल टाइम देन डू इट फुल टाइम. और शौक के मुतालिक भी मेरा ये कहना है कि यार शौक वाला काम करना इज़ वेरी गुड, और मैं आई एम ऑल अप फॉर इट, बट एज लॉन्ग एज वो आपको अच्छे पैसे नहीं दे रहा ना तो फिर फायदा नहीं, बिकॉज इवेंचुअली वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, लाइक डाउन द लाइन 10 साल बाद ना आप कहते हो यार ये क्या यार. वो लोग कहते हैं ना पैशन ड्रिवन बिजनेस होता है, जी क्या ही बात है, लेकिन पैशन ड्रिवन बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस तो बिजनेस होता है, बिजनेस का मकसद है वो पैसे दे आपको, कारोबार कारोबार है, नौकरी नौकरी है, और एंड पे दोनों का एंड गोल यही होता है कि यार मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं. एग्जैक्टली, आपका लाइफस्टाइल ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल एटलीस्ट मेंटेन हो जाना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली. तो जब वो हुआ ना और जब मैं वापस आया, तो आई थिंक दैट वाज एक एट दैट टाइम दैट वाज द पीक ऑफ माय करियर. मतलब मैं उस टाइम पे मुझे नहीं पता मैं कितने क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहा था, मुझे नहीं पता मैं कितनी क्लासेस ले रहा था, मैं उसे बल्कि देख रहा था मैं पता नहीं कितनी 2,500 क्लासेस आयरन बॉक्स पे ले चुका हूँ अब तक. तो और मतलब मैं अपने आप को हर लिहाज से ग्रो करता हुआ देख रहा था, लाइक फाइनेंशियली एज ए ट्रेनर हर लिहाज से, मतलब सब कुछ अच्छा ही हो रहा था. तो ऑनेस्टली पता है दरवाजे खुलते गए, फिर मैंने अल्फा लीड वाला डिसीजन लिया, सारा कुछ उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा साथ दिया. अच्छा अब ये बड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा है, पीपल नीड टू नो योर स्टोरी, हम अल्फा लीड में पहुंच भी गए हैं, अभी तो हम बहुत पीछे से थे. सो व्हेन यू जॉइंड आयरन बॉक्स यू वर वर्किंग इन बैंक अल्फला इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नो मतलब यू राइट, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज के जब मैंने आयरन बॉक्स का डिसीजन, मुझे अभी तक याद है 26 फरवरी थी 2017, क्योंकि 28 को मेरी बर्थडे थी और 2-3 को आयरन बॉक्स की ओपनिंग थी, 3rd मार्च. हाँ, और मेरी ना अल्फला में तनख्वाह थी 30,000 रुपये. तो मैं बैठा हुआ था और मैं ऐसे ही डेस्क पे बैठा हुआ था, मैं सोचा था मैं क्या करूँ, मतलब मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं इस काम के लिए बना हुआ ही नहीं हूँ, पता नहीं मैं यहाँ क्यों आता हूँ, क्या करता हूँ, जितनी तनख्वाह मिलती इतना तो मेरा बेटर लग जाता है, तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे कुछ बच रहा है, बड़े पैसे मिल रहे हैं. मैंने उस वक्त रिज़ाइन किया, उसी वक्त बैठे बैठे, लाइक ना मैंने कोई बात की ना कुछ किया, मैं सीधा रिज़ाइन किया. मैंने कहा जी मैं कल से नहीं आ रहा, और मजे की बात है उसी वक्त मेरी सैलरी ट्रांसफर हुई थी, तो मैंने जस्सी से सैलरी पकड़ के ना अपने दूसरे अकाउंट में डाली, ये कहीं लेना ले लेना वापस ना खींच ले, बैंक वाले ही हैं और भेजते भी अपने बैंक में थे, फ़ौरन अपने उधर भेजी. मैं गया मैनेजमेंट में, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं रिज़ाइन किया, और
वो एक पॉइंट था, मैंने कहा था कि मैं आयरन बॉक्स को जो मैंने डिसीजन लिया इसको मैं फुल टाइम करूँगा, आई वांट टू डू दिस फुल टाइम। और मुझे याद है मैंने अपने वाले साहब से बात की, वो उस तरह के नहीं थे, उन्होंने कहा देखो तुम्हारी जिंदगी है, जो तुमने आज करना है आज कर लो, नहीं होगा साल बाद कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा जो उस तरह तुम्हारा दिल है वो तुम करो। तो मुझे याद है मैंने ये डिसीजन तब लिया था कि मैं आयरन बॉक्स को फुल टाइम लूँगा। तो मैंने 26 को रिजाइन किया था और 2nd-3rd को मुझे याद है मैंने ना फिर हमने स्टार्ट किया था। तो अब आयरन बॉक्स की जर्नी चल रही थी, बीच में पहले अल्फला था, सो आई थिंक अभी तक की स्टोरी तो यही चल रही है कि यू हैव टेकन ऑन अपॉर्चुनिटीज एज दे केम। तो खास उस तरह से प्लानिंग नहीं थी कि यार पहले मैं ये करूंगा। आई थिंक सो यू जॉइंड अल्फला विद यू जस्ट जॉइंड इट। यार एक्चुअली अब इसके पीछे भी बैक स्टोरी हुई है, वो ये है कि जब मैं पढ़ाई में बिल्कुल फारिग था, मैं पढ़ता नहीं था, मैं स्लो नहीं था, मैं पढ़ता ही नहीं था। तो मुझे ना बस पता था कि पास होने के लिए क्या करना है, बेयर मिनिमम आता था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बड़ा इन था ना, तो असाइनमेंटें और ये सारी चीजें मेरी हो जाती थी, बिकॉज हर बंदे को टीम शीम में खेलना होता था। तो मैं एक पॉइंट पे जब सीनियर हो गया था तो मुझे उस चीज का बड़ा फायदा हो गया था। थिंग इज जब मैं मेरा LSE में मंजी पहला सेमेस्टर जो था ना, मेरा GPA था 0.2। नहीं एक मिनट, ये अचीवेबल है? हां 0.2 कैसे आता है? एक्चुअली मैं 0 था। हुआ ये था कि मेरी मैथ्स की टीचर थी, अब मैं नाम नहीं ले सकता, प्लीज, तो ABC। हाँ, वो बहुत बहुत अच्छी मैथ की टीचर थी। उन्होंने, मैं ना क्लास में नहीं जाता था, मैं जाता ही नहीं था यूनिवर्सिटी में, नया तो भाई गाड़ी मिली थी घर से, नई नई दुनिया देखी थी, तो यूनिवर्सिटी का बहाना करके दाएं बाएं निकल जाते थे। तो मैं ना जब गया तो उस टीचर ने मुझे बुलाया एक दिन, उसने मुझे कहा उमर फाइनल एग्जाम है, तुमने कोई एग्जाम कोई कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ अचानक एग्जाम दे देना, अपना नाम लिख देना, मैं तुम्हें पास कर दूंगा। तो उसने मुझे D दे दिया, मैं एग्जाम दे के आ गया, सिर्फ नाम लिखा हुआ था मेरे एग्जाम पे, उसने मुझे D दिया तो मेरा 0.2 आया, वरना मेरा 0 था। ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। और मेरा एक दोस्त है जलाल, तो जलाल का 0.4 था, उसका C आया था उसमें और मेरा D आया था, और जलाल का रिजल्ट आ गया था घर पे और मेरा नहीं आया था। जलाल ये अपने खगा साहब है? हां जी, खगा। अच्छा, तो खगा जी ने मुझे ना, खगा जी ने बताया मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे यार अगर मेरा घर पे पता चल गया ना तो मेरी तो बड़ी वाट लगेगी, सीन बैड हो जाना है, तो तू आ जा। तो जलाल पूरा दिन मेरी तरफ, तो जलाल और मैं ना पूरे 2 दिन खिड़की पे बैठे कि आज रिजल्ट आएगा। खैर वो रिजल्ट आया, हमने जल्दी से छुपा छुपू दिया। मैं डॉक्टर शाहिद के पास चला गया, मैंने जाके बड़े तरले मिलते मारे उनसे, मैंने उन्होंने कहा मुझे देखो आपके पास 2 रास्ते, एक आप पढ़ाई छोड़ दो, आपके पास की लग नहीं रही, और दूसरी उन्होंने कहा मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा। मैं अच्छा, मैं कहा दूसरा? उन्होंने कहा यार हमारी एक अभी डिग्री आई है, वो अभी हमने शुरू की है, तुम वो उसमें चले जाओ। तो उसमें ना कोई 20-25 लड़कियां थी, उससे 2 लड़के थे मैं और जलाल। ये तो ये तूने कहा, ये आपने बड़ी अच्छी डिग्री बताई, डिग्री तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके 4 साल के बाद कुछ नहीं मिल रहा। तो खैर यहाँ से कहानी शुरू हुई कि मैं 0.2 पे बैठा हुआ था और वहां से मैंने पढ़ाई मैंने फिर भी नहीं की, बेयर मिनिमम पे तो आ गया ना। बेयर मिनिमम मुझे समझ आ गई यूनिवर्सिटी में पढ़ना कैसे, ग्रेड कैसे लेने, यहाँ से मैंने इस तरह मैंने करके यूनिवर्सिटी क्लियर की और करते कराते जहाँ मैं पहुंचा। तो बैंक की नौकरी इस तरह हुई कि मुझे ना उस वक्त रियलाइज हुआ कि यार जिंदगी में ना मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्पोर्ट्स ही खेली है। तो मुझे हुआ कि यार मैं नौकरी ना खुद करूंगा। नौकरी का क्या था, मैं तो अपने वाले साहब को भी कहता कि नौकरी दे दे तो वो भी दे देते, ठीक है। मुझे उस वक्त एक प्रॉब्लम हुई हुई थी कि मैंने कुछ खुद करना, मैंने जिंदगी में कोई चीज़ है जो एटलीस्ट मैं कुछ तो खुद अचीव करूँ, मतलब मेरे वालिद साहब एटलीस्ट ये तो कहें कि यार चलो कुछ तो किया तुमने। ऑनेस्टली उन्होंने मेरे से कभी ग्रेड्स नहीं पूछे, उनको तो ये कहानियाँ भी नहीं पता सारी, ठीक है। उन्होंने मुझसे कभी ग्रेड नहीं पूछे कभी, वो हमेशा मुझे कहते थे हाँ भी पास हो जाओगे, हाँ जी। कभी उन्होंने कहा AB ले आओ, यार बस ठीक है पास हो जाओ, इतना कर लो कि यू नो कोई प्रॉब्लम तुम्हें ना हो जिंदगी में। तो इस तरह करके ये सिचुएशन बनी, मुझे बैंक में नौकरी मिली, मैंने जाके इंटरव्यू दिया, उनका जी आ जाए ये तनख्वाह है, मैंने कहा जी नॉट दैट कैव मच ऑप्शन, वही 2 मुझे आते ही ये थी और 1-2 जॉब्स थी मेरे पास, सबकी सैलरी यही चल रही थी उस टाइम पे, 30-35 हज़ार रुपया मिल रहा था सबको और इस तरह का सीन था। तो यहाँ से मैं गया अल्फा। अच्छा अब नाउ, वैसे तो मैंने आगे अभी अल्फा लीड पे जाना था लेकिन अल्फा लीड को थोड़ी देर अभी हम बाद में कैटर करते हैं। ये जो बीच में आपने बड़ी दफा मैंशन किया है कि मैं यार स्पोर्ट्स में बहुत इन था, तो अब ये जरा पर्सनल लेवल पे जहाँ पे मुझे पर्सनल उस चीज़ से प्रॉब्लम है ना, वो सवाल आने वाला है। मुझे पता ही सवाल आ गया कि भाईजान मैं सारी वाम को बताना चाहता हूँ कि उमर सईद प्लेज एक्सलेंट क्रिकेट, हैज़ बीन प्लेइंग एक्सलेंट क्रिकेट ऑन अ वेरी बिगर लेवल एक नॉर्मल लोगों के हिसाब से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
जिससे मैं दोबारा और आई थिंक मैं गुस्से में आ जाऊंगा शायद. लास्ट हम जब नेट्स पे गए, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ बॉयज खेल रहे थे साथ, ठीक है, उन्होंने आके आपको भी बॉलिंग शॉलिंग कराई और वो आपको देख रहे थे. आप उस वक्त सारे बॉयज की कर रहे थे, शामत लगा रहे थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर. अब आई एम नॉट श्योर, दो नाम आए, सलमान बट या इमरान अजीज, मोस्ट प्रॉब्ली सलमान बट. उन बॉयज में से एक कहता है कि यार मैंने ना सलमान बट को उसकी पीक पे नेट्स करते हुए देखा है, बिल्कुल ऐसे करता था, एंड ही पॉइंटेड एट यू. ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, पिछले 3 हफ्ते पहले हम खेले, 3 हफ्ते पुरानी बात. तो ये जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी भाई जान, जब आपको पढ़ाई भी समझ नहीं आ रही थी, आपने 0.2 लेके एक मार्का मारा, उसके बाद आपको पता आप स्पोर्ट्स खेल रहे थे, आपकी गेम है क्रिकेट, आपने पाकिस्तान को अपने टैलेंट से क्यों नहीं नवाजा? अच्छा, उसकी 2-3 वजह. अच्छा, इनिशियली पता है मैं ना एलसीसी खेलता था जब मैं छोटा था, तो जब मैं शोएफा में पढ़ रहा था तो मैं एलसीसी जाता था, मैं खेलता था, मैं सिलेक्ट भी हो गया था अंडर 16 में, तो कुछ 25 लड़कों में मेरा नाम आया था और उन्हीं दिनों में मेरा रिजल्ट भी आ गया. तो मैं ना 7th क्लास में था, मैं फेल हो गया. तो मुझे याद है मैं उससे पहले ना आज तक अपने वालिद साहब के ऑफिस नहीं गया था, तो वो पहली दफ़ा था मेरे वालिद साहब ने मुझे ऑफिस बुलाया. और तो मैं ऑफिस गया ना, तो सारे कहें मियाँ साहब का बेटा आ गया, वो मुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, मियाँ साहब का पुत्र है, मियाँ साहब का पुत्र है. और मैं दिल में कह रहा हूँ उनको क्या पता मैं क्यों. तो मुझे तो लग रहा था कि अभी अबू बाहर आएंगे और वो मुझे सबके सामने जलील कर देंगे. खैर उन्होंने मुझे ना ऑफिस में बुलाया, अपने कैबिन में उठा के मुझे बाबा जलील किया और उनका बेटा, सब कुछ बंद, प्ले स्टेशन, क्रिकेट क्रिकेट सब बंद है, अब आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे. मैंने आप आज तक कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा था कि आप मुझे ये दिन देखना पड़े. तो वहाँ मेरी खैर क्रिकेट बंद होगी. बट हैविंग सेड दैट, एक और दो वजह हैं कि मैंने कभी क्रिकेट सीरियस नहीं ली और मैंने कभी भी नहीं ली. मुझे याद है यूनिवर्सिटी में भी ना मेरे दोस्त वोस्त मुझे बुलाते थे खेलने के लिए, मैं नहीं जाता था. मतलब बहुत कोई इंपॉर्टेंट मैच आ गया, कुछ बड़ा ही उनको हो रहा है कि यार तू आ जाए या कुछ, तो मैं चला जाता था. वरना मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, मुझे नहीं शौक था, मतलब मैं दिल से नहीं खेलता था. हुआ बेसिकली दो वजह. एक, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो इंटरनेशनल लेवल पे आप बात करें ना, वो तो मुझे लगता है, मुझे लगता नहीं, मुझे पता है मैं डिजर्व ही नहीं करता, मुझे वो उस लेवल पे मैं क्रिकेट खेलता ही नहीं. तो क्योंकि मैंने एलसीसी खेली भी है, मैं उधर गया हूँ यार, वो एक, हाँ अगर मैं उस ज़माने से खेलता रहता क्रिकेट और कंटिन्यूसली खेलता रहता तो शायद मैं इतना अच्छा हो जाता. क्योंकि अभी मंजी हम लोग खेलते हैं आपस में मजाक में, मैं बाहर भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली और वहाँ पर मेरे से 20-20 गुना अच्छे प्लेयर आते हैं, वो मेरे से भी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं. तो अगर वो नहीं खेल पाए तो मैं तो बहुत पीछे की बात हूँ. बट ये तो ट्राई दिए बगैर तूने अपने एक असेसमेंट खुद बना लिया ना. और उसकी पीछे अब इसकी जो दूसरी वजह है वो ये है कि क्रिकेट मेरा कभी भी ना, लाइक इट वॉज नेवर माई फर्स्ट लव. जिस तरह मुझे वर्कआउट करना है, जिम करना ना, मुझे हमेशा, तुझे पता है मुझे, मैं शौक से करता था. मैंने कभी तुझे नहीं कहा यार जिम करना है, ये करना है. मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड टू माई वर्कआउट, यार जिम जाना है, गाने सुनूंगा, वर्कआउट करूंगा, मजा आएगा, ये करूंगा, वो करूंगा. तो वो हमेशा मेरा फर्स्ट लव होता था कि यार मैं उसके लिए, मैं जगह भी बनाता था, टाइम भी बनाता था, मेरी प्रायोरिटी पे भी टॉप पे होता था. क्रिकेट तो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मैंने जितनी भी खेली ना, मैं रोज रात को ना, अगर सुबह मेरा मैच होता था ना, मैं रात को ही सोचता था कि यार सुबह फिर क्रिकेट के लिए उठना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा. लेकिन एक चीज़ थी कि जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था ना, तो अगर मैं चला गया हूँ ना, तो फिर आई विल मेक श्योर कि मैं अपना 100% दूँ. बेशक मैं 0 पे आउट हो गया हूँ या बेशक मैंने 100 रन किए हैं, लेकिन मेरा फिर होता था कि नहीं यार अब आया हूँ ना तो दिल से खेलूंगा. अब दैट मेक्स मी मोर सैड कि कंसीडरिंग इट वाज योर सेकंड लव एंड यू प्लेड क्रिकेट हाफ हार्टेडली एंड दीज आर द रिजल्ट्स. और ये मैं आई एम नॉट प्रेजिंग यू एट माई लेवल, ठीक है ना. मैं अपने लेवल के क्रिकेट के हिसाब से तुझे प्रेज नहीं कर रहा हूँ कि यार तू बहुत अच्छा खेलता है, वो वाला सीन नहीं है. आई मीन आई हैव हर्ड पीपल सेइंग इट, आई हैव सीन यू, मैं तेरे अपने मुंह से तेरी कहानियां सुनी हुई है. सो खैर, दूसरा यार इधर पता क्या था, एक और सैड हो गया. सैड था ये भी, मेरा तुम लोगों से टेबल खेलता था, तुम लोग क्या करते थे मेरे साथ, क्या करते थे, पूरे टीम आउट हो जाती थी, सारे एक लाइन में लग के आ जाते थे और फिर मुझे भेजते थे. तो यार हमने तुम्हें अपने लेवल पे लेके आना है ना, वरना तो तुम अकेले हो, फिर हम तो साइड पे बैठ के बस तालियां मारने के लिए होगा. बुलाएंगे, कहेंगे उमन तू ओपन पे जा, पहली बॉलिंग कर, तू ओपन कर, ली बार बैठ जा. मसला ये है कि तू ओपन करता था तो फिर क्लोज भी तू ही करता था, फिर हमारी बारी नहीं आती थी. वे यार वो ऑनेस्टली जोक्स पार्ट मुझे कभी नहीं लगा मैं अच्छा, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने काफी लोगों से क्रिकेट खेली है, मतलब मेरे से बहुत ज्यादा क्रिकेट बहुत लोगों ने खेली है. और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो क्रिकेट के लिए सब कुछ इधर उधर कर देंगे. मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क्रिकेट के मामले में वो उनके लिए वो सीन है कि भाई कोई सीन नहीं है, क्रिकेट कम्स फर्स्ट. वो तो रिलीजन है ना. हाँ, मतलब और मैं उस
के नेड़े भी नहीं हूँ यार, मतलब मुझे लगता है कि मुझे तो हॉल उठ रहे होते थे रात को कि यार क्यों मैंने हाँ कर दी, मैं क्यों जा रहा हूँ, पता कोई छोटा सा मसला भी होता है ना, सबसे पहले मैं क्रेडिट कैंसिल कर देता हूँ, पता यार वो मेरा तो इशू हुआ, मैं नहीं आ सकता। अच्छा, दैट इज समथिंग न्यू, वैसे दैट्स न्यूज़ टू मी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था ऐसा है व्हाइल यू वर प्लेइंग एलएमएस एंड वी वर इन आयरन बॉक्स। तो एलएमएस मैंने एक पॉइंट पे, मेरा से जितनी मैंने एलएमएस एक टाइम पे खेला, 2017 से लेकर 2020 तक मैंने काफी खेली, मैंने 150 मैच खेले थे, तो उस वक्त मजे की बात है इतना लोगों को पता भी नहीं होता था एलएमएस का। लाइक अब तो मैं देखता हूँ जिम में कहीं भी मैं बाहर जाता हूँ तो लोग एलएमएस कर रहे होते हैं, उस दिन मैंने तो मैच भी खेले तो काफी नए लोग मुझे नजर आए हैं। तो हमारे टाइम पे ना एक 150-200 लोगों की कम्युनिटी थी, वही खेलती थी और ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होता था। और उस टाइम भी मैंने जब खेली थी तो मैंने वो आई थिंक मैंने काफी दिल से खेली थी, 2-3 साल मैंने खेली थी, मैंने बड़ी इंजॉय भी की थी। बट फिर आई थिंक वो जब मेरे वाले साहब की डेथ हुई थी ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑफ हो गया था, फिर मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं करता था कुछ भी करने को काफी अर्से तक। तो उसके बाद फिर मैंने कोशिश भी की थी शुरू करने की दोबारा, लेकिन फिर वही बात है कि मेरा दिल ही नहीं मानता, मुझे मजा ही नहीं आता था, मैं कहता क्या यार, फिर वही सीन शुरू हो गया था पुराने वाला, तो फिर मैंने कम्प्लीटली छोड़ दी थी। अब आते हैं हम आपके लाइफ के माशाल्लाह मेजर चैप्टर पे, कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी फ्रॉम गेटिंग इनटू अ फिटनेस करियर एंड डिसाइडिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो अल्फा लीड एवरीवन नोज अबाउट इट, माशाल्लाह इट्स डूइंग ग्रेट, एंड अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, आगे वी हैव लाइक आई हैव ग्रेट होप्स फ्रॉम अल्फा लीड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एक्सपेंशन पार्ट ऑफ इट एंड एवरीथिंग, वो इंशाल्लाह जब भी टाइम आएगा। तो ये ट्रांजिशन व्हेन डू यू थॉट कि यार अच्छा ओके फाइन मैं एंटरप्रेन्योरशिप वाला लीप ऑफ फेथ ले सकता हूँ, क्या मैं ये है मेरे में, मुझे करना चाहिए, या ये भी वही था कि अच्छा इट वाज अनदर डोर यू सॉ इट यू लाइक ठीक है अब ये नेक्स्ट स्टेप है? क्योंकि अभी तक तो मुझे तेरी जर्नी की समझ आई है वो ये है कि ऑल यू हैड इन योर माइंड वाज कि यार ग्रो करना बस, सो यू वर मैनिफेस्टिंग ग्रोथ और फिर चीज़ें तेरे सामने आती जा रही थी एंड यू वर जस्ट देयर ओपनिंग द डोर्स एंड मेकिंग योर वे। तो अल्फा लीड भी इसी थॉट प्रोसेस का है या देयर इज अनदर थॉट बिहाइंड इट? देयर वाज ऑलवेज दिस थॉट कि मैंने कुछ अपना करना है। ऑनेस्टली पूरी जिंदगी मतलब मेरी स्कूलिंग से लेके यूनिवर्सिटी से लेके मेरे काम से लेके हर चीज से लेके ना हर चीज मुझे ऑनेस्टली प्लेट में मिल गई। ऑनेस्टली मेरा नहीं ख्याल मैं इतना डिजर्व करता था जितना मुझे मिल गया, इवन एट आयरन बॉक्स भी, मतलब हम सारे वहाँ पे थे, आप और मैं वहाँ पे पूरा दिन इकट्ठे होते थे, मैं आप समीर अमाद जितने भी और अब्दुल्ला वगैरह सारे हम इकट्ठे होते थे एंड आई थिंक मेरे में कोई ऐसी खास क्वालिटी नहीं थी जो मैं कहूँगा बाकियों में नहीं है। हम सबका एक मतलब हम यार सबको वही आता था जो सबको आता था। अगर पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना तो आई वुड लाइक टू एग्री टू इट, बट अगर थोड़ा ऑनेस्ट देना तो नहीं, ऑब्वियसली यू हैड एन एज एंड आई थिंक इट्स गुड टू बी हम्बल, ठीक है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू नो दैट where and when and how you're good at something. 18-20 bahut hota hai, lekin aisa koi fark nahi tha to redefine your career. 18-20 is a lot, but I think everybody deserves. Ha matlab everyone is doing good, everyone is doing good, but to take that leap of faith ki yaar I'll do my own thing, wo that requires guts. Acha wo bhi honestly main batata hu, wo basically is tarah hua ke maine to I think aapke hi 2017 mein आपको सिंगिंग को कह दिया था मैंने कि यार कि मैंने हां वी डोंट यू नो यू हैड दैट थॉट कि यार मैंने ये करना है, सो अगर कल को कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी लेट मी नो एंड आई एम अप फॉर इट। और उस वक्त तक मेरे इतना कुछ मुझे खुद भी नहीं इतना आता था, मुझे पता था कि मुझे ये करने के लिए आयरन बॉक्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और मेरा इनिशियली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यही प्लान था कि यार जब भी करूंगा आयरन बॉक्स का। खैर वो अपॉर्चुनिटी उतना बनी नहीं और बीच में मुझे याद है मैं ये ना करता प्रॉब्ली शायद आज भी ना करता इस स्टेप को ना लेता, लेकिन जब बीच में मेरे वाल साहब की डेथ हुई ना तो मुझे वो चीज़ बड़ी मेजरली हिट की बिकॉज वो बड़ा सडन सब कुछ हुआ। तो जब वो हुआ तो मुझे ये ख्याल आया कि यार टेक्निकली देखा जाए ठीक है मेरी अच्छी कट रही है, मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ है मेरे पास, मैंने हर चीज़ खुद अचीव कर ली है इन टर्म्स ऑफ जो एक एक इंसान के पास होनी चाहिए, लेकिन क्या ये काफ़ी है? एंड कीपिंग इन माइंड कि अभी मेरे वाले साहब मेरे साथ पे हैं तो मेरे पे तो आधी चीज़ों का बर्डन भी नहीं है, तो अभी तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार मैंने कुछ करना है और मेरी ना उनसे 2 महीने पहले इस बारे में डिस्कशन आई रिमेंबर मैंने तेरे से बात मैं यूएस किया था, मैंने तेरे से बात भी की थी जाने से पहले, आई रिमेंबर मैं बड़ा सीरियसली सोच रहा इस बारे में, मैं अभी जा रहा हूँ फिर मैं आके इस बारे में कुछ करेंगे, तो मैंने बात भी सैम से भी की थी आपसे भी की थी, तो ये मेरी उनसे बातचीत चल ही रही थी और मैं अमेरिका गया हुआ था, मैं वापस आया तो विद इन 2 वीक्स उनकी डेथ हो गई बड़ी सडन और उसके बाद आई थिंक 10-15 दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं उस वक्त बस यही सोचा था कि यार मैंने करना क्या, हाँ मैंने करना क्या। मेरे पास उस वक्त कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि यार हम आपको फाइनेंशली इस पर आपको करते हैं, आप अपना सेटअप करो,
जो कि मैं अब था, जो मैंने आपसे बात भी की, मुझे आदत हमारे घर बैठ के बात भी हुई थी इस बारे में, मैंने कहा मंजी ये सीन है, तो जिसपे ना मुझे समीर ने किसी ने भी नहीं मना किया, उनका नहीं नहीं बिल्कुल तुम्हारा बनता है, राइट है, यू शुड डू इट, बिकॉज मुझे था कि यार कुछ मेरा अपना होना चाहिए। टेक्निकली तो मैं एक नौकरी ही कर रहा था ना, जबकि पूरी दुनिया को लगता था कि आयरन बॉक्स मेरा है, सब सबको लगता था कि आयरन बॉक्स मेरा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह आप और समीर से, बिकॉज सबको आप लोग कहते थे कि नहीं नहीं उमर भी हमारे साथ है, उमर भी हमारे साथ है, तो सबको लगता था कि मेरा, मात का, आपका और समीर का आयरन बॉक्स हमने वो चलाया ही ऐसे था यार। तो मुझे फिर हुआ कि यार अब कुछ जिंदगी में आगे करना है, अब अपना कुछ करना है, तो ये इन्वेस्टर्स मेरे साथ आप थे और मैं इस चीज़ को करने जा रहा था, बीच में मेरे दोस्त आ गए, 4-5 दोस्त थे, उन्होंने कहा यार जो इन्वेस्टर्स के साथ ही करना है तो आप लोग हम लोग मिल के कर लेते हैं, जिस पे मैंने भी ये सोचा कि मैंने कहा हाँ यार अब इन्वेस्टर्स के साथ करूंगा, उनकी इतनी बातें होती हैं वो सुननी पड़ेंगी, उनके तरीके से चलना पड़ेगा, इवन दो देर इड नो एनीथिंग अबाउट फिटनेस, बट मुझे था कि यार जो भी है उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है ये बॉयज़ अपने दोस्तों से हैं, इनके साथ रोज़ का उठना बैठना इनको ज़्यादा समझाना मुश्किल नहीं होगा, तो इस तरह करके ये अल्फा लीड इन प्लेस आया, मतलब इस तरह करके मुझे याद है मैंने अल्फा लीड बनाया, एंड ऑनेस्टली अगेन उस पर भी ना मैं बस विद द फ्लो जा रहा था, कि मुझे जब जगह मिली पहले मैंने आप लोगों को दिखाई इस तरह करके, फिर इक्विपमेंट और ये वो सारा कुछ कर करा के मैंने खोला, एंड ऑनेस्टली मुझे इतना श्योर नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा, ना मैंने किसी को बुलाया, ना मैंने मतलब कोई इन्विटेशन दिए कि जी अल्फा लीड खुल रहा है, ओपनिंग हो रही, कोई ओपनिंग भी नहीं की मैंने, कुछ भी नहीं, सॉफ्ट लॉन्च से ही आई थिंक बस चल मैं पड़ा एक था। दिन जिस दिन सब कुछ रेडी हो गया मैंने कहा कल से जिम खुल रहा है, तो मुझे याद है पहले दिन ही कोई 150-200 बंदा आ गया, आई रिमेम्बर। और मैं इतना हैरान, मैंने कहा ये सारे आ कहाँ से गए, इनको पता कैसे चल रहा है, लाइक बट वो बस अल्लाह मियाँ ने नसीब में लिखा हुआ था और सब कुछ खुद ही ठीक होता गया। दैट्स वेरी गुड। अब जो बेसिकली अपोलो चैनल का ओवरऑल मकसद है ना, वो ये है कि लोगों की जो एक्चुअल सक्सेस स्टोरी है, जो रियल लाइफ चैलेंजेस है ना, वो बाहर है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत अगेंस्ट उस चीज़ के जब वो जो है ना एक सक्सेस को बहुत ही इजी करके ना सामने रख दिया जाता है कि जी आपने बिजनेस करना है, आप ये करें ये करें ये करें और फिर आप कितने लाख रेवेन्यू हो जाएगा और कमाल हो जाएगा। सो यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अब माशाल्लाह कितने साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर फॉर अ नॉर्मल मैन हु ऑलवेज फैंटसाइजेस कि यार मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है। यार ऑनेस्टली अच्छा सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योर ना बन पाता अगर मैं तुझसे ना मिलता, सर सर क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैंने हम बहुत ज़्यादा होते थे बॉक्स पे, तो मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया उस ना तेरे साथ, बॉक्स के अंदर भी और बॉक्स के बाहर भी, बाहर भी, क्योंकि आयरन बॉक्स से फारिग होकर हम सीधा आपकी तरफ ही मेरी तरफ भी जाते जाते थे, तो मैंने बहुत सीखा, और जो कुछ बॉक्स के इश्यूज होते थे वो जब तेरे पास आते थे तो मैं तेरे साथ ही होता था, तो थे। सब कुछ मेरे सामने हो रहा होता था कि यार ये मसला चल रहा है, ये इशू है, ये फलाना है, ये धमकाना, तो तेरे साथ तो मैं सब चीजें ट्रांसपेरेंट थी, आई मीन इवन फाइनेंसेस से लेके हाँ हर हर चीज, रौला तक, और मेरे अपने कुछ रौले थे वो भी तेरे सामने थे। तो वो हर चीज मैंने देखी भी थी, तो इट्स नथिंग कि मैं मुझे जब मैंने ये लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में जब मैं आया और मैंने देखा और मैंने कहा यार वाह ये तो मुझे पता नहीं था ये इस तरह भी होता है, तो आई न्यू द नो बेसिक्स कि यार ये इस तरह होता है, बिकॉज मैं यार 5 साल से तो देख रहा था ठीक है, और काफ़ी चीज़ें जो थी वो तो मैं भी हैंडल कर लेता था, जब हाँ व्हेन यू गाइस वर नॉट हाँ अराउंड तो मैं और अमादी हैंडल कर रहे होते थे सब कुछ, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ था, तो मैंने बहुत सीखा, लाइक ट्रेनिंग के एस्पेक्ट से मैंने समीर से बड़ा सीखा, काम एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से मैंने आपसे बहुत सीखा, तो जब मैं अल्फा लीट आया ना तो मुझे सब समझ आ गई थी कि क्रैश यार कोर्स हो गया वो हाँ तो। मुझे समझ आ गई थी, मैंने कहा 5 साल से तो मेरी ट्रेनिंग ही चल रही थी ना मेरी, तो जब वो सब कुछ हुआ, बिजनेस भी सेम है, या तो ना कि बिजनेस फर्क हो तो बंदा कहता है अच्छा इसमें ये फर्क है इसमें, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करती है चीज़ें, तो जब मैं यहाँ आया ना तो मुझे कुछ चीज़ों में मैं क्लियर था कि मैंने कहा ये चीज़ें मैंने नहीं करनी, ये चीज़ें मैंने करनी है, लेकिन ऑनेस्टली फिर भी ना लग पता गया था वजह, क्योंकि रात के 10 बजे 2 बजे 1 बजे भाई आपका काम है उठो जाओ, कोई मसला है यू नीड टू गेट अप एंड गो, सुबह का कोई टाइम नहीं भाई, कभी मैं 7 बजे भी गया हूँ 6 बजे भी गया हूँ मैं 2 बजे भी गया हूँ, तो काम के लिहाज से तो आपको कोई एज नहीं है, लेकिन फिर चस्का भी है, आपको मज़ा भी आता है जब आपको पता होता है कि सब आपकी सुन रहे हैं, यू नो आप इनको लीड कर रहे हो सारा कुछ कर रहे हो, तो उस चीज़ का मज़ा भी है, लेकिन यार इतना आसान नहीं है, बिकॉज बाहर से ना अच्छा लोगों को पता क्या लगता है, लोग आते हैं ना जिम में, लोग आके देखते हैं यार यहाँ पे क्या काम है, सब जिम ही है ना, कुछ तो ऑटो पे चल रहा सबको तो है। ऑटो पे जा रहा है, मशीनें आपकी पड़ी हुई हैं, ये आपका स्टाफ है, आपका कोई जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी है,
लेकिन उनको मैं समझाता, मैंने कहा नहीं बड़ी क्वारी है, लाइक सुबह से लेकर रात तक ना इट्स अ फुल टाइम जॉब एंड मतलब ये मेंटली बड़ा एग्जॉस्ट कर देती है आपको। तो इस तरह नहीं है कि यार जिम में है तो जिम में काम नहीं होता, या हमें लगता है हम रेस्टोरेंट जाके खा के आ जाते हैं तो रेस्टोरेंट में कोई काम नहीं होता। भाई हर जगह पे ना काम, आपकी इनपुट आपका होना बड़ा जरूरी होता है। और ये चीज तो खैर मैं डे वन से समझ गया था कि इनिशियली जब अल्फा लीड खोला तो मुझे याद है मैं तो रात सिर्फ सोने के लिए घर जा रहा था। पहला डेढ़ एक महीना तो मैं सिर्फ घर जाता था सोने के लिए, मैं पूरा दिन वहाँ बैठता था जो भी काम शाम, क्योंकि आप हर चीज़ को सेटल इन कर रहे होते हो और सब कुछ समझा रहे होते हो, खुद भी समझ रहे होते हो। तो यार ऑनेस्टली कोई, और एक और चीज़ भी मैंने सीखी, हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, ये भी मैंने कि ये आप नहीं कह सकते, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। ये कोई मतलब दस काम है जो मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। लोगों ने इस चीज को गाली बना लिया है कि अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे या नहीं कर सकते तो मतलब माफ करें आप हैंडीकैप्ड हैं या आप में कोई कमी है। नहीं, हर बंदे के पास अपना ही टैलेंट है, और मेरे पास शायद 10 चीजें जो मैं नहीं कर सकता, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं नहीं कर सकता भाई, सीधी बात है। और एंटरप्रेन्योर चीजें, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप और ये सारी चीजें भी मैंने भी विद टाइम सीखी है, सारा कुछ समझा है, और अभी भी ये तो नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, अभी भी मैं 10 गलतियां करता हूँ, ऑफ कोर्स, ठीक है। अभी भी हम सब करते होंगे, लाइक हमें पता भी होगा कि हम कर रहे हैं, हमें नहीं भी पता होगा हम नहीं कर रहे, लेकिन ये कोई उस्ताद नहीं है कि किसी को नहीं आता तो बड़ा कोई लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बिकॉज मैंने भी लोगों के साथ काम किया है, डील किया है। ऑब्वियसली फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें चल रही होती, तो मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, डील किया, एंड आई हैव रियलाइज कि यार काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जिनको काफ़ी कुछ आता भी है, काफ़ी मतलब उनको उनके पास काफ़ी स्किल्स हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत एवरेज हैं, बहुत नॉर्मल काम कर रहे हैं लेकिन वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो अगेन आपको ये बस फिगर आउट करना है कि आप किस लिए बने हो, क्या आप बिजनेस के लिए बने हो, क्या आप जॉब के लिए बने हो, क्या आप मतलब और जो भी चीजें होती हैं, लाइक अगेन। ओके, सो कमिंग डाउन टू लाहौर का फिटनेस सीन क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। नहीं, एज एन इंडस्ट्री हाउ डू यू सी इट? फिटनेस इंडस्ट्री का सीन पूछ रहा हूं, अल्फा लीड का नहीं पूछ रहा। यार ऑनेस्टली एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, बहुत छोटी कम्युनिटी है, लाइक हार्डली इसमें कुछ चंद सौ लोग होंगे, nah. शायद हजार दो हजार लोग होंगे, ठीक है। बट डिफरेंट किस्म के लोग हैं मंजी, देख फिटनेस इंडस्ट्री की, आई डोंट थिंक इससे फिटनेस इंडस्ट्री का कोई लेना देना, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लोगे ना, दे आर गुड एंड बैड पीपल, ठीक है, दे आर नाइस एंड ईवल पीपल। तो इधर भी वही है कि इधर कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, कुछ बहुत अजीब से लोग भी हैं, बट येस एंड ऑफ द डे अब चीज़ें लाइक अब काफ़ी लाइक मैं देखता हूँ कि चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, लाइक लोगों में लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है फिटनेस की। आई थिंक लाइक जो वो पहली जो टॉक्सिक था सब कुछ काफी, अच्छा इनिशियली हो गया था काफी, स्पेशली जब अल्फा लीड खुला था ना, तो आयरन बॉक्स और अल्फा लीड का भी सीन थोड़ा बैड हो गया था, एंड उसमें मेरी भी गलती थी, बिकॉज मेरा भी आई एम श्योर मेरी भी कुछ ड्यूटीज थी जो मुझे करनी चाहिए थी, उसमें कुछ आयरन बॉक्स की भी गलतियां थी जो आई थिंक उनको भी करनी चाहिए थी। तो इट्स नॉट लाइक मैं कहूँगा यार सारा गलती उनकी थी या सारा गलती मेरी थी और एक मलबा सारा एक तरफ डाल दो, गलतियां सबसे होती हैं एंड यू मूव ऑन, एंड फाइनली वी डिड मूव ऑन इवेंचुअली, बिकॉज देखो यार छोटी सी फिटनेस इंडस्ट्री है, मैंने इतना काम किया वहाँ पे एंड आई स्टिल मिस दैट प्लेस, लाइक वो जो हमारा वाई ब्लॉक का स्टूडियो था उसकी गेम ही और थी, उसकी गेम ही और थी, इवन दो अब जो आयरन बॉक्स में वो इट्स मच बेटर, लेकिन मैं वो जगह क्योंकि मैंने कहा यहाँ काम नहीं किया तो मेरी कोई वो एसोसिएशन नहीं जगह से, तो मेरी उस जगह से बड़ी एसोसिएशन थी, और मैं आज भी ना अभी परसों में शायद किसी को कहते हैं मैं बड़ी मिस करता हूँ जो मैं क्लासे कराता था ना, आयरन फिट और क्रॉसफिट की और बूट कैंप्स, मैंने कहा वो मैं बड़ी मिस करता हूँ वो, क्योंकि अब यहाँ होती नहीं है। तो आई थिंक चीज़ें बेहतर हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी, वेयर डू यू थिंक के फिटनेस इंडस्ट्री, क्योंकि देखें हमारा अभी भी जो है पाकिस्तान में फिटनेस अभी भी उसका जो फिटनेस की डेफिनेशन है वो हमने गौरव वाली नहीं की, इट्स स्टिल नॉट अ नेसेसिटी, ठीक है, इट इज़ बिकमिंग वन, बट अभी भी इसके अंदर बहुत ब्रेक्स आती हैं, बहुत से रीजनिंग अभी भी अलग है, इट्स मोर अबाउट एस्थेटिक्स रादर देन अबाउट बीइंग हेल्दी, इट्स मोर अबाउट अचीविंग शॉर्ट टर्म गोल्स रादर देन मेकिंग इट अ लाइफस्टाइल। तो उसके अंदर जो है फिर एज अ बिजनेस, अब देखें बाहर तो लोगों ने अपने जिम्स की चेन बनाई हुई है, ठीक है, मंथली फीस कट रही है, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चल रहे हैं, $10, $15 व्हाटएवर, और आप जहां मर्जी यूज कर लें, और स्केलेबिलिटी। अब फिटनेस इंडस्ट्री इटसेल्फ बड़ी बाइफरकेट होगी हुई है इन टर्म्स ऑफ DHA की फिटनेस सीन का अलग है, जौहर टाउन की फिटनेस इंडस्ट्री का सीन टोटल अलग होगा, ठीक है, लेक सिटी का टोटल अलग होगा, ये बड़ी एक कम्युनिटी वाइज डेवलप हो चुकी है। तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, अगर कोई इस बिजनेस में आना चाहता है, क्योंकि लोग इस बिजनेस को आजकल बहुत लुक फॉरवर्ड टू करते हैं,
मुझे तो अक्सर अपने लोग कहते हैं कि आपने ये बेचा तो बेचा ही क्यों, खैर वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन फॉर समवन हु वांट्स टू गेट इनटू द बिजनेस, व्हाट डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी, क्या है इसके अंदर फ्यूचर, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन इसमें क्या फ्यूचर है, कौन कौन सी मार्केट और एक्सप्लोर होने वाली रह गई है? सो अगर मैं आज जाना चाहता हूँ दोबारा फिटनेस में, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल मी? यार इनिशियली अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आपके पास कोई ना कोई एज होनी चाहिए, एक कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए. एज इन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह मैं आपको अगर अपना बताता हूँ, जब अल्फा लीड खोला था ना, तो मुझे एक ये फायदा था कि मेरे पास एक ही फ्लोर था बड़ा, और उस टाइम पे इतने बड़े जिम्स, मतलब हार्डी डिफेंस में दो तीन इतने बड़े जिम्स थे, ठीक है. एक दूसरा द टीम जो मुझे मिली, ठीक है, सारे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ इन देयर फिटनेस एज वेल, वो था. तो मुझे एक वो एच था, मुझे एक बड़ी जगह का एच था, तो मेरा मुझे इस तरह फ़ायदा हो गया. फिर काफ़ी जिम्स इस बेसिस पर चलते हैं, डिफेंस में भी हैं, बाहर भी हैं, कि वो बहुत बड़े जिम्स हैं, लाइक वो मैसेज को टारगेट करते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने पेमेंट प्लान्स भी कम रखे हुए हैं, और उनका कोशिश होती है कि हम मैसेज को टारगेट करें, दे हैव एम्पल इक्विपमेंट, वो उस बेसिस पर चल जाते हैं. आयरन बॉक्स का सक्सेस मॉडल आप देख लो, हमारा ओपन जिम ही नहीं होता था, याद है, हम लोगों को अलाउ, हम लोग आते थे हमारे जिम में, ऊपर आके देखते थे, कहते थे इक्विपमेंट का, याद है, और हम लोगों को फिर उस वक्त कितने हमने लोगों को लेक्चर्स दिए हैं कि यार, हमने कुछ लोगों को पैसे वापस भी किए हुए हैं कि यार नहीं ये वो नहीं है, हम क्रॉसफिट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं. तो आई थिंक आयरन बॉक्स फाइनली था जिस काम में, जिसने शुरू किया था लोगों को समझाना, एजुकेट करना कि यार हम, मतलब बिकॉज लोगों का होता था यार ट्रेडमिल ही नहीं पड़ी हुई, साइकिल ही नहीं है, इलेप्टिकल ही नहीं है, बेंच प्रेस नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ पे केबल मशीन नहीं है, तो लेग प्रेस नहीं है, तो फिर आपको और मुझे इतना समझाना पड़ता लोगों को कि यार हम बेसिकली वो काम नहीं कर रहे, हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ये करें, हम वो करें, और फिर तो उसके बाद जब उनको पैसे बताते थे, वो कहते थे इक्विपमेंट तो है नहीं, तो आप पैसे क्यों इतने मांग रहे हैं. ट्रू, ठीक है. तो लेकिन अगर आज हम ये बैठ के बात करें, अगर उस वक्त हमने काम ना किया, तो आज में और आप ही बात करते, तो आप हमें कहते नहीं यार मंजी नहीं चलना, लोगों को समझाना आसान नहीं है. एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन उस वक्त हम कर गए ना, कर गए लिटरली, वाकई की तरह सीधा कैसे कर गए, हम अनॉय भी हो जाते थे एट टाइम्स, कोई सीधी बात है, पंगा लिया तो फिर हमें समझाना तो पड़ेगा. तो आई थिंक हर जिम का, हर उस चीज का ना एक अपना एक फायदा नुकसान है. मैंने काफी जिम्स पिछले 8 साल में बंद होते भी देखे, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत जिम्स बंद, मैं तो अच्छे अच्छे एस्टेब्लिश नामों को जरा हिलते हुए देखा है. लेकिन आई थिंक आपके पास कोई सर्टन, या आप अच्छे ट्रेनर्स रखो, या आप अच्छी फैसिलिटी रखो, कुछ तो दो ना. अगर आपके और फलाने के जिम में कोई फर्क ही नहीं है, अगर सब कुछ एक जैसा है, तो वो क्यों जाएगा? बिकॉज जिम में ना लोगों की लॉयल्टी बन जाती है. अब आयरन बॉक्स के क्लाइंट्स देख लो, आज माशाल्लाह 7-8 साल हो गए हैं, वो उधर के उधर ही हैं, वो नहीं हिलते. जो कल्ट है वो वही है, जो एंड एग्जैक्टली सेम गोज़ फॉर द ट्रेनर्स. जो फॉर एग्जाम्पल आज भी आपके जो क्लाइंट थे, वो आपको मैसेज करते हैं ना कि मंजी यार ट्रेनिंग करा दे, मेरे वालों ने तो आधों ने जिम ही छोड़ दिया करना. तो लोगों की ना दो लोगों के साथ एसोसिएशन होती है, दो चीजों के साथ, एक या ट्रेनर के साथ एसोसिएशन होती है, या जिम के साथ, फैसिलिटी के साथ. फैसिलिटी तो या अच्छी फैसिलिटी दो उनको, जहाँ पे वो कंफर्टेबल रहे. एनवायरमेंट बड़ा मैटर करता है कि यार लोग, औरतें कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, और दूसरी चीज आपका जिम, और दूसरी चीज आपके ट्रेनर्स. कि अगर आप अच्छे ट्रेनर्स दे रहे हो, अच्छी फैसिलिटी बना रहे हो, आप हर चीज को टिक कर रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल इतना कोई इशू होना चाहिए. ऑनेस्टली अच्छा बिजनेस है. मैं पिछले एज अ बिजनेस और ट्रेनर, बिजनेसमैन और ट्रेनर पिछले 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, और मैंने इस काम को वैसे को 7-8 साल तो हो गए हैं, शायद ज्यादा हो गए. तो एज अ ट्रेनर मैंने मतलब 5-6 साल सर्वाइव किया, तो मेरे ख्याल से काम अच्छा. अगेन कोई भी बिजनेस करने के लिए आपके पास कोई तो एज होनी चाहिए, कुछ तो आपके पास होना चाहिए, एक सर्टेन यूएसपी के साथ आए मार्केट में कराना, तो कुछ भी लाइक कुछ तो नया लाओ, या कुछ तो नई बात करो. ओके, एंड लास्टली हमारे चैनल का एक और बड़ा गोल है, वो ये है टू एक्चुअली क्रिएट अ मूवमेंट इन जेन जी टू स्टार्ट फिगरिंग आउट के व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन देम टू मेक थिंग्स बिगर एंड बेटर फॉर पाकिस्तान एंड फॉर देमसेल्व्स. सो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द नेक्स्ट जनरेशन के कमिंग डेज में, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ लिविंग अ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू हैव लर्न्ड? Any message would you like to give to Gen Z? यार मैंने जो खुद किया, मैं वही आपको आगे बता सकता हूँ, because वही बात है कि जो मैंने खुद किया उसका मैंने, I've been through the journey, so I've seen it, like it's been a while now. और वो ये है कि मैंने वो चीज़ की जो मुझे पसंद थी, so I got into something that I loved, and it opened doors for me, right? जब आपको एक चीज़ का शौक होता है ना, जब आप एक चीज़ दिल से करते हो, तो वो काम काम नहीं लगता आपको. आपको सुबह उठ के ये नहीं ख्याल आता यार
बकवास, अब फिर सुबह उठो वही बकवास के थ्रू फिर गुजरो, फिर वही काम फिर से शुरू होगा, नहीं आप एक्चुअली लुक फॉरवर्ड कर रहे हो. तो मेरा पहला मैसेज तो यह है कि यार सबको लाइक पीपल एंड एवरीबडी हैज अ टैलेंट, लाइक हर बंद कुछ भी हो सकता है यार, मुझे नहीं पता, बट एवरीबडी कुड लाइक हैज समथिंग. लाइक मैं जब यूनिवर्सिटी में था, जब मैं स्कूल में था, यूनिवर्सिटी में था, जब मैं आई वाज ग्रोइंग अप, यार जिस दिन तक मैंने आयरन बॉक्स ज्वाइन किया था ना, उस दिन तक मुझे नहीं पता था कि मैं ये काम करूंगा. ठीक है, उस दिन तक मुझे नहीं पता था, और मैं ऑनेस्टली बस गो विद द फ्लो कर रहा था. मैं कहता यार बस ठीक है, हो गया तो हो गया, ना हुआ तो क्या होगा, वाले साहब तो कह देंगे यार नौकरी दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी. सो अगेन फाइंड आउट व्हाट यू लव, गेट इनटू इट, और जब एक दफा व्हेन यू गेट इनटू इट ना, फिर आई थिंक अगर आपकी नीयत साफ है, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे, आप मेहनत कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप दुनिया में कोई भी काम कर लो, मेरा नहीं ख्याल आप निराश हो सकते हो. तो बहुत बेसिक्स और सिंपल स्टेप्स हैं कि यार अपनी नीयत साफ रखो, काम की तरफ तवज्जो रखो, अच्छी तरह काम करो, किसी को हर्ट ना करो, किसी का नुकसान ना करो, किसी के लिए बुरा ना सोचो, कीप इट वेरी सिंपल. ऑनेस्टली हम लोगों ने ना आजकल लाइफ को, वैसे भी मैं पेरेंट्स को भी देख रहा होता हूँ कि इस स्कूल में एडमिशन लेना है हमने, बच्चे ने ये करना है तो बच्चे ने ये करना है, और यार जब हम बड़े हो रहे थे तो क्या था, मैं तो पूरा दिन ग्राउंड में पड़ा रहता था, कभी मिट्टी में खेल रहा होता था, साइकिलों से गिर रहा होता था, तो कभी भी इतना कुछ नहीं हुआ. लेकिन आज की जनरेशन ना बहुत ज़्यादा उस तरह हो गई, उनको कर दिया गया है कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये, ओ भाई कुछ नहीं होगा जिंदगी में, सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं. अगर मैंने कर लिया ना भाई, सेवन क्लास फेल, एक नंबर से पास हुआ, आठवीं में गया, ठीक है, आठवीं में फिर फेल, स्कूल से निकाल दिया, ठीक है, एक स्कूल में, अब मैं शोएफात का पढ़ा लिखा दिमाग आसमान पे, एक ऐसे स्कूल में जाता हूँ जो अल्लाह माफ करे उस वक्त मेरे घर से भी छोटा था, ठीक है, और मैं वहां जाकर ये क्या हो गया मेरे साथ, और फिर मेरे माँ बाप ने कहा बेटा ये कुछ नहीं हुआ, ये आपने अपने साथ खुद किया, आपको कोई स्कूल एडमिशन ही नहीं दे रहा, तो आपकी अबोकात यही है. और ऑनेस्टली मेरी जिंदगी का सबसे अच्छी चीज में सब हुई, क्योंकि मैंने वहां जाकर इतना कुछ सीखा ना, क्योंकि मैं हर लेवल ऑफ बंदे के साथ मिल रहा था, शोएफात में तो सारे एक जैसे होते थे, तो आपको हर बंदा मिलता था, उन सब से मेरी दोस्ती हो गई, यारी हो गई, और मैं वहाँ पे इतना एंजॉय किया. ओ लेवल्स के एग्जाम मैंने नहीं दिए, तीन एग्जाम्स थे, मैं नहीं देने गया, आई थिंक एक कोई पाकिस्तान स्टडीज का था, एक मैथ्स का था, और कोई और एग्जाम था, और मुझे अभी तक याद है मैथ्स का एग्जाम था, ओ लेवल को, मैंने मुझे उसको फ़ोन किया, कहता उठ जा पेपर देने जाना है, कहता पागल हो गया, कहते क्या हुआ, मैं कहा मैं नहीं जा रहा, मैं सो रहा हूँ, कहता तो तू एग्ज़ाम नहीं देगा, मैंने कहा नहीं, तो मुझे कहता है फिर, मैंने कहा यार तू जाके फेल हो जा, मैं ना जाके फेल हो जाऊँ, और यही हुआ, वो गया सुबह उठा, वो जाके फेल हो गया, और मैं नहीं गया, मैं फेल हो गया, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता था मैंने फेल होना, ठीक है, करते कराते मुश्किलों से हाई स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ से निकले मर मरा के एल एस सी, मुझे पता था मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया, ठीक है, एल एस सी पहुँचा, एल एस सी पहुँच के पहले सेमेस्टर में 0.2 GPA, ओ भाई इससे ज़्यादा ख़राब क्या कर लोगे, ठीक है, चार साल की डिग्री 4.5 साल में ख़त्म की, 30,000 रुपये की नौकरी की, 12,000 रुपये का उधर उधर मिलते थे, ठीक है, करते कराते क्या हुआ, कुछ कर ही लिया ना जिंदगी में, ये है कि आंखें खुली रखी और नियत बनाई और सोचा कि नहीं यार बस बहुत हो गई है, ऐशी हो गई, बड़ा कुछ कर लिया, अब थोड़ा आगे चल के, और अल्लाह मैंने रास्ते खोल दिए. आई थिंक कीप इट वेरी सिंपल, परफेक्ट, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थॉट, डोंट ओवरथिंक, कीप इट सिंपल, विजन बिग, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड गो विद द फ्लो. थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज लवली, और ये बड़ा अच्छा रिकैप हुआ, तो ये जरूरी था. Thank you. Thank you.